उन्होंने ऐसी महत्वपूर्ण सामग्री दी है जो पहली बार हम आपके सामने प्रेजेंट करने जा रहे हैं। मेरे साथ कर्नल जयवीर सिंह, आप स्वराज अभियान दिल्ली के अध्यक्ष हैं। स्वराज अभियान ने नीचे से ऊपर तक अपने इलेक्शंस करवाए, तो दिल्ली स्टेट के अध्यक्ष कर्नल जयवीर वो हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ अनुपम है, जिनसे आप सब परिचित हैं, आप हमारे स्वराज अभियान के नेशनल मीडिया इंचार्ज हैं। और हमारे साथ श्रुति, हमारी मीडिया टीम, नेशनल मीडिया टीम की, जिन्होंने ड्राउट ड्यूटी नामक एक अद्भुत कार्यक्रम भी करवाया था, हालांकि आज के कार्यक्रम, आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में। दोस्तों, आज अपनी बात कहते हुए मुझे कुछ संकोच और बकार है। जैसा कि आप में से कई साथी जानते हैं, जब से आम आदमी पार्टी सत्ता में आई, उसके बाद स्वराज अभियान बना, तो मीडिया और उसके तमाम साथियों ने सोचा कि जैसा ऑपोजिशन पार्टियां किया करती हैं, रोज सुबह रूलिंग पार्टी के खिलाफ स्टेटमेंट देना, वो काम हमने नहीं किया। यहाँ कई साथी बैठे हैं जो आते थे, कहते थे फला विषय पे आपको बाइट देनी है। मैं कहता था नहीं, सरकार काम कर रही है, करने दो। सरकार ने कुछ अच्छे काम किए, हमने कहा अच्छे काम किए। जो ऑड इवन वाली स्कीम थी, उसके पक्ष में हमने स्टेटमेंट दिया, लोगों ने बड़ी मिस्टीरियस खबरें छापी कि लगता है इनकी सेटिंग होने वाली है। सरकार ने शिक्षा पे एक दो अच्छे काम किए, हमने अच्छे काम किए सरकार ने। और बार बार जब हमसे पूछा जाता था सरकार का कुल मिला के मूल्यांकन कीजिए, तो हम कहते थे छह महीना हुआ है, एक महीने, एक साल हुआ है, नई सरकार है, काम तो करने दीजिए। तो कई मीडिया के साथी कहते थे वो ना हो, कुछ चक्कर है, देखो खुल के बोल नहीं रहे जैसे ऑपोजिशन पार्टी को बोलना चाहिए। वो इसलिए कि हमें समझते थे कि ये हमारा काम नहीं। हर चीज का विरोध करना, हर सही गलत चीज का विरोध करना, जैसा अपोजिशन पार्टियों ने अपना धंधा बना लिया, वो हमारा काम नहीं। हाँ, एक चीज पे आपको याद होगा, हमने सड़क पे आके जम के विरोध किया था, और वो था जन लोकपाल बिल वाला प्रोविजन। जब ऐसा जन लोकपाल बिल पास होने लगा जो रामलीला मैदान में किए गए प्रोमिसेस से ठीक उल्टा था, जब हमें लगा कि ये सरकार चलिए काम करने में ढील हो जाती है, देर हो जाती है, नए लोगों से एकाधी गलती भी हो जाती है, लेकिन जब जन लोकपाल के मुद्दे पे हमें लगा कि ये तो एकदम फ्रॉड हो रहा है जनता से, तब हम सड़क पे आए थे, आके हमने विरोध किया। आज एक दूसरा मुद्दा आ रहा है जिसपे संकोच के साथ और एक मायने में शर्मिंदगी के साथ हमें फिर जनता के सामने आके खुल के इस सरकार के पाखंड का विरोध करना पड़ रहा है। क्योंकि ये जो मुद्दा है, ये सिर्फ इसका नहीं है कि नई सरकार कोई काम करने में थोड़ी देरी हो गई, कोई छोटी मोटी मिस्टेक हो गई, थोड़ा जो टाइम टेबल सेट किया था उससे ज्यादा समय लग गया, ये स्वाभाविक चीज है, सब सरकारों के साथ होता है। लेकिन आज जो बात हम आपके सामने रखने जा रहे हैं, आपको देखेंगे और आप शायद सहमत होंगे कि ये तो इस सरकार ने जनता के साथ जो वादे किए थे और जो बार बार कहा है, उससे ठीक उल्टा काम है। और वो तथ्य हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। हमारे पास काफी एविडेंस है, माफ कीजिएगा, बहुत हाई एविडेंस है। ये जो बहुत भारी एविडेंस है, ये सारा एविडेंस पंकज पुष्कर जी के उद्यम से दिल्ली असेंबली में आया है, और इसका एक एक पेज दिल्ली सरकार ने सप्लाई किया है। इसके लिए आप हमें बिल्कुल भी कोई क्रेडिट मत दीजिएगा, दिल्ली सरकार की मेहनत है जो हमने लिखा। तो ये सारे के सारे पेजेस जल्द ही अपलोड कर दिए जाएंगे। इसकी कुछ एविडेंस हम आपके हाथ में भी देंगे, लेकिन अगर पूरी हर एक को न दे पाए, हमारे पास इतने पैसे नहीं थे इतने पेजेस की इतनी ज्यादा कॉपीज करवाने के, लेकिन सब हम अपलोड कर रहे हैं, सारी एविडेंस आपके पास जल्दी पहुंच जाएगी, सारी की सारी एविडेंस। अब व्यवस्थित रूप से बात शुरू कर दिल्ली सरकार ने
ये पांच टुकड़ों में बात करेंगे कि सरकार ने क्या प्रॉमिस किया और उसकी रियलिटी, रियलिटी के चार हिस्से हम देखेंगे। सरकार ने प्रॉमिस किया था, नशाबंदी का प्रॉमिस नहीं किया था, नशा मुक्ति दिल्ली में होगी उसका प्रॉमिस किया था, और आने के बाद क्या क्या किया है उसके चार टुकड़े हम आपको पेश करेंगे, और अंत में बताएंगे कि स्वराज अभियान की तरफ से इस विषय पे हम क्या करने जा रहे हैं, आगे हमारी क्या मांग है। पहली चीज, जब से दिल्ली सरकार सत्ता में आई, सरकार ने कहा था कि नशा मुक्ति होगी, नशे को घटाया जाएगा और इसमें जनता की भागीदारी होगी। ये प्रॉमिस कोई वेग प्रॉमिस नहीं था, अचानक कहीं सभा में बोल दिया, ऐसा कुछ नहीं था, हर चीज लिखी हुई। इस किताब से आप परिचित होंगे, इसके लेखक आजकल इस किताब को भूल गए हैं, लेकिन ये किताब आपने देखी होगी, उन्हें आजकल नाम भी पसंद नहीं आता इस किताब का। किताब का ये जो एक छोटा सा हिस्सा हरे रंग में किया गया वो क्या कहता है, वो कहता है कि आज नेता और अफसर या तो रिश्वत या दबाव में इन ठेकों को मंजूरी दे देते हैं। यदि यह कानून बना दिया जाए कि किसी भी इलाके में दारू की दुकान नहीं, या मोहल्ला सभा या वहां की ग्राम सभा की मंजूरी के बिना नहीं खोली जाएगी, तो दारू की दुकान खोलना बहुत मुश्किल हो जाएगा, नशाबंदी की दिशा में ये एक महत्वपूर्ण कदम होगा। ये स्वराज किताब में लिखा था, लेखक अरविंद केजरीवाल। चलिए, किताब में लिखा था, किताब से लोग बदल जाते हैं। मैनिफेस्टो, ये 2014 का लोकसभा के मैनिफेस्टो का एक टुकड़ा है जो ऊपर आप देख रहे हैं। वो टुकड़ा बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहता है कि मोहल्ला सभा को या ग्राम सभा को यह ताकत दी जाएगी कि वो किसी भी लोकेलिटी के अंदर जो दुकान है दारू की उसको बंद करवा सके, और उसको खोलने की परमिशन भी उनसे दी जाएगी, उसके बिना खोली नहीं जाएगी। 2015 में ये तो दिल्ली डायलॉग के अंदर जो मैनिफेस्टो कहा जाता है वो साफ कहता है कि मोहल्ला सभा से एनओसी लेना पड़ेगा और उसमें औरतों की भागीदारी जरूरी होगी, औरतों का फाइनल से होगा, ये स्पष्ट रूप से कहा जाता है। उसके बाद भी शब्द है तो ये आपको वीडियो क्लिपिंग हम दिखा देते हैं। वीडियो क्लिपिंग में आप सुन लीजिए क्या कहा जा रहा है, ये पार्टी के ऑफिशियल फंक्शन में कहा जा रहा है। विमेंस डायलॉग एक हुआ था दिल्ली चुनाव से जस्ट पहले, उसमें कहा स्पष्ट कहा जा रहा है कि ऐसी तो स्पष्ट बात कही जा रही है, एक बार नहीं त्रिपियो, एक बार नहीं दो दो तीन तीन बार कहा जा रहा है, स्पष्ट कहा जा रहा है कि किसी भी मोहल्ले में यदि महिलाओं को शिकायत है, महिलाएं इकट्ठा होकर
महिलाएं ऐतराज करती हैं तो दारू की दुकान बंद करना सरकार के लिए अनिवार्य हुआ। ये तो थे फायदे। अब आप रियलिटी देखिए। रियलिटी में पहली टेबल देखिए, रियलिटी चेक का पहला हिस्सा। ये सरकार आने के बाद कितने दारू के ठेके खोलती है? अब आपको ध्यान होगा, एक मिनट वापस, आपको ध्यान होगा आपको ध्यान होगा पिछले दो तीन हफ्ते से बार बार इस पे चर्चा चल रही है कि दिल्ली में कितने शराब के ठेके खोले गए हैं आम आदमी पार्टी सरकार आने के बाद से। एक बार फिगर आया 58, एक बार फिगर आया 37। उप मुख्यमंत्री ने बार बार कहा सिर्फ 6 है, नाक शोर मचाया जा रहा है। ये अलग अलग फिगर्स आते कहां? एक अचानक आरटीआई के अंदर 217 का फिगर आया। ये सब आरटीआई की फिगर, कोई व्यक्ति अपनी तरफ से दावा नहीं कर रहा। सरकार से पूछा जा रहा है आरटीआई में कि कितने दिन आपके सत्ता में आने के बाद से आपने दारू के कितने ठेके खोले हैं। बिल्कुल सिंपल सवाल पूछा जा रहा है, शराब की दुकानें दिल्ली में कितनी बढ़ गई। सरकार उसी पीरियड के लिए अलग अलग आरटीआई में अलग अलग जवाब दे रही है। कारण क्या है? कारण यह है कि दिल्ली में शराब के ठेके के अलग अलग लाइसेंस हो, एक नहीं कोई 25-30 कैटेगरी है। हम तो सिर्फ आपको पांच-सात दिखा रहे हैं, मेजर कैटेगरी। शराब की दुकानों की वेंडिंग अलग अलग तरह की होती है। एक होलसेल है जिसको हमने बाहर रखा है, रिटेल में बेचना और सर्व करना उसके अलग अलग लाइसेंस होते हैं। तो किसी आरटीआई में सरकार L6 का जवाब दे देती थी, किसी में L6, L7, L8, L10 का जवाब दे देती थी, किसी में L15 से L17 और L18 का जवाब दे देती थी। अलग अलग आरटीआई में अलग अलग जवाब। फिर अंततः